नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और इस वाली वीडियो में हम ना डिस्कस करने वाले हैं लोबरे डे ब्रियून वैन इंकिस तीन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, और इस वाले टॉपिक को ही हमें आज डिस्कस करना है। ये हमारे पास में एक मैकेनिज्म है, ठीक है। हमारे पास में जो ग्लूकोज होता है, जिसे हम बेसिकली बोल देते हैं डी ग्लूकोज, जब हम इसे डाल देते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन में, या बेसिक सॉल्यूशन इसमें मिला देते हैं, तो इस सॉल्यूशन मिलाने के बाद में एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। मिक्सचर हमारे पास में बन जाता है डी मैनोज का और डी फ्रक्टोज का। बस हमें यही देखना है कि डी मैनोज या डी फ्रक्टोज का मिक्सचर किस वजह से बन जाता है, ऐसी कौन सी रिएक्टिविटी है, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये बन जाते हैं, वो सब हमें दिखाया गया है लोबरे डी ब्रियून वैन इंकेस्टीन रीअरेंजमेंट में, और वही हमें पढ़ना है। ये रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं बहुत ही लाइटली आपको इसे समझा दूंगा, ठीक है। बहुत ही प्यार से आपको समझ में आ जाएगी कि पूरी रिएक्शन में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो मेन रिएक्शन है और जो इसकी हेडिंग है। तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं हम। आज की जो हमारी हेडिंग है, ये हेडिंग हमारे पास में है लोबरे डी ब्रियून वैन इंकेस्टीन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये हमारे पास में आज की हमारी हेडिंग है, और इस ही हेडिंग के अंतर्गत में आज का जो भी टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डी ग्लूकोज बना लेंगे। तो बेटा डी ग्लूकोज आपने पहले भी बनाया था, तो ठीक है मैं बना देता हूँ। डी ग्लूकोज हमने कुछ इस टाइप से बना रखा था इसमें, ठीक है। जो हमने बना रखा था इसमें डी ग्लूकोज हमने कुछ इस टाइप से बनाया था। यहाँ एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से हमें चैन शुरू करनी है इसकी। यहाँ अपोजिट में आएगा ओ की साइड में ओ एच, और यहाँ एच की साइड में एच, फिर नेक्स्ट चलेंगे सी। अब ओ एच की साइड में आ जाएगा हमारे पास में एच, और एच की साइड में हमारे पास में आ जाएगा ओ एच। नेक्स्ट टू कार्बन में एक ही साइड में जो इसकी सेकंड वाली पोजीशन है, ये इसे रिपीट करेगा यहाँ एच, फिर रिपीट करेंगे ओ एच और एच, जो सेकंड वाला कार्बन है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ और सेकंड कार्बन सेम होते हैं, ठीक है। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। फिर इसके बाद में लास्ट वाला हमारे पास में जो होता है, ये हमारे पास में होता है सी एच टू, ठीक है। ये भी इसी टाइप में आ जाएगा, इसमें भी ओएच इन्हीं की साइड में ही रहेगा। बस ये वन और थर्ड, ये वाले हमें इनका ध्यान रखना है, बाकी सब हमारे सेम, ठीक है। जब हम इसमें डाल देते हैं किसी बेस को, ठीक है, अब ये एरो की रिएक्शन जो है कुछ इस टाइप से हमें लिखनी होगी इसमें। इसे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, रिवर्सिबल में लिखेंगे, और यहां मैं लिख रहा हूं इसमें बेस, ठीक है। हमारी जो ये रिएक्शन है, ये किसी स्ट्रोंग एल्कली, जो हमारे पास में स्ट्रोंग बेस होते हैं एल्कली, इनकी प्रेजेंस में हो जाएगी, जैसे सीओएच का होल्डवाइज है, ठीक है, इस टाइप वाले। अब इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, एक डी मैनोज में, और जो इसके बाद में हमारे पास में है डी फ्रक्टोज। अब सबसे पहले हमें जो सेम कंडीशन बनानी है डी मैनोज में, और जो डी हमारे पास में, ये जो हमारे पास में है, ये डी ग्लूकोज है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस है बस वही हमें थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बिल्कुल सेम ग्लूकोज का ही फॉर्मूला, आप लेके चलिए सी डबल बॉन्ड, बस ये सेकंड वाला फॉर्मूला आपको चेंज करना है। यहाँ से यहाँ सी के साथ में एच आ जाएगा, और यहाँ इस साइड में आ जाएगा ओ एच। बाकी यहाँ पर हमें और कोई भी चेंज नहीं करना है, सेम एज आ जाएंगे जैसे हमारे पास में ये है, ठीक है। फिर यह हमारे पास में एच आ जाएगा, यह हमारे पास में ओ एच सिंगल बॉन्ड सी, फिर जिस टाइप से हमने लिखे हुए हैं इन्हें किसमें ग्लूकोज में, इसी टाइप से हम इन्हें लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे सेम इसी ही आ जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा सी एच टू। अब ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है डी मैनोज, डी मैनोज। अब इसके साथ में साथ साथ हमारे पास में एक और बनता है फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। तो एक बार फ्रक्टोज को देखेंगे,
अब ये जो हमारे पास में फ्रक्टोज बना हुआ है, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है यहाँ पर, सी एच टू ओ एच सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच। अब यहाँ से देखिएगा बाद में हमारे पास में जो जितने भी कार्बन है इसके दो को छोड़ने के बाद में कोई डिफरेंस इनमें नहीं, यहाँ हमारे पास में आ जाएगा ये ओ एच, फिर इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में सी, फिर ओ एच। अब ये इतना हमारे पास में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ एच सी 1 2 3 4 5 ओ एच और एच और यहाँ पर हमारे पास में सी और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सेम रहेगा सी एच टू एच। इस टाइप से ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में होता है हमारा डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, हमारा डी फ्रक्टोज है। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे तो ये तो अब हमने देख लिया कि ये हमारा इस टाइप से बन जाता है। मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये हमारा कैसा है, मेन प्रोडक्ट है, तो ये हमारे जो बाद के हैं ये क्या है, हमारा मिक्सचर है। तो इसमें जो हमारे बनते हैं ये क्या बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं, किसका, डी फ्रक्टोज का और डी मैनोज का। बात ये है डी फ्रक्टोज का या डी मैनोज का मिक्सचर बन जाता है, उसका ऐसा क्या रीजन है कि मिक्सचर बन जाता है, वो हमें देखना है इसके मैकेनिज्म में, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, इस फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास में जो ग्लूकोज है वो बेस के जो OH नेगेटिव आयन होता है उससे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। अब हम सेम बनाएंगे जैसा हमने अभी जस्ट पहले बनाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास में आएगा हमारा कौन सा, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में हमें यही देखना है, ठीक है। ये लिया था हमने इसमें एच सी डबल बॉन्ड ओ, कोशिश करेंगे एक बार साथ साथ आप भी बनाने की, ठीक है। और फिर हमारे पास में इसके बाद में कौन आया हुआ था, यहाँ ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ सी, इधर एच, इधर ओ एच। अब बाकी सेम चलने हैं, 1 2 2 के जैसे चलेंगे सारे के सारे ही, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में ओ एच, इस साइड में एच, फिर यहाँ सी ओ एच, फिर एच, फिर लास्ट में हमारे पास में इसमें कौन आ जाएगा, सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो एल्कलीज में ओ एच नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, ये ओ एच नेगेटिव आयन ये रिएक्शन कर लेता है किससे, सेकंड वाले कार्बन के एच से। ये जो सेकंड वाले कार्बन के पास में एच है ये इससे रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। और एक बार आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा इस वाली कंडीशन को कि रिएक्शन करता है तो किस टाइप से करता है और यहाँ क्या बनेगा, ठीक है। ये जो ये वाला बॉन्ड है, देखिएगा मैं गोल कर रहा हूँ इसे ही, आपको यही ध्यान से देखना है, केवल यही चेंज होगा अभी, ठीक है। इसके पास में जो ये वाला बॉन्ड है, जो सी और एच के बीच में बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, सी पर, ठीक है। और इस कंडीशन में सी पे आ जाएगा माइनस और एच पे आ जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि ये जो ये बॉन्ड बना हुआ था, जो बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है सी पे, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन सी का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, एच का, कंप्लीट बॉन्ड ट्रांसफर हो गया सी के पास में। तो सी का, सी के पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है वो कितना आया है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, और एच के पास से कितना इलेक्ट्रॉन गया है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गया है। तो इस कंडीशन में दोनों के पास में क्या आएगा, एक के पास में आ जाएगा एक प्लस और एक के पास में आ जाएगा एक माइनस, ठीक है। चलिए अब एक मिनट इसके स्ट्रक्चर को बना लेंगे और यहाँ से हम इसमें शो कर देंगे माइनस एच टू ओ, एच टू ओ इसमें से निकल जाएगा और इस कंडीशन में हमारे पास में ये बन जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी। अब सी पे जो चार्ज आ गया है वो चार्ज कौन सा आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब सी के पास में नेगेटिव चार्ज आ गया है तो हम इसमें नेगेटिव चार्ज इसका शो करेंगे, नेगेटिव चार्ज शो करने के बाद में बाकी सेम रहेगा जैसे पहले था, ठीक है। यहाँ आ जाएगा इसके पास में एच ओ एच सी, अब इधर आ जाएगा इसके पास में ओ एच, इधर एच, फिर सी ओ एच एच और लास्ट में इसके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी एच टू ओ एच। ये वाली कंडीशन इसकी बन जाएगी। फिर इसके बाद में ये क्या काम करता है, ठीक है, जो सेकेंड वाला ही कार्बन है H प्लस आयन के साथ में, ठीक है, H प्लस आयन के साथ में क्या काम करता है, ये रिएक्शन करता है। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप। ये जो हमारे पास में आयन बना हुआ है फर्स्ट वाले स्टेप में, इसे हम क्या बोल देते हैं, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन जो हमारा फर्स्ट वाला बना है इनोलेट आयन है और ये हमारा क्या है, डी ग्लूकोज,
अब जो इनोलेट आयन होता है ये रिएक्शन कर जाता है किससे, एच प्लस आयन से, स्टेप टू। ठीक है, द इनोलेट आयन हैज प्लेनर sp2 ज्योमेट्री एज C2 एंड कैन बी प्रोटोनेटेड एट दिस कार्बन टू फॉर्म आइदर डी मेनोज एंड डी ग्लूकोज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इनवॉल्विंग प्रोटोन अप्रोच द इनोलेट आयन। सीधी सी बात है, जो हमारे पास में इनोलेट आयन है ये रिएक्टिव होता है और रिएक्शन कर जाता है किससे, एच प्लस आयन से। जैसे ही एच प्लस आयन से ही रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये डी मेनोज। ठीक है, जैसे OH हमारे पास में कौन आया हुआ था, हमारे अभी जस्ट पहले वाली, अभी से जस्ट पिछले वाली रिएक्शन में हमारे पास में एक H2O बना है। ठीक है, तो रिएक्शन में जो लिया जाता है वो निकलना भी होता है। ये OH कहाँ से आया था, ये OH आया था हमारे पास में एल्कली के पास से और बना क्या था हमारे पास में H2O। अब अगर वो दोबारा से ब्रेक हो जाएगा एच प्लस में और OH माइनस में, तो OH निकल के वापस चला जाएगा एल्कली मेटल्स के पास में, बार बार रिएक्शन होती रहेगी और जो एच प्लस निकला हुआ था पहले कार्बन से वो दोबारा से अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, डी मेनोज और डी ग्लूकोज। चलिए एक बार देख लेते हैं किस टाइप से बनाएगा किस टाइप से नहीं बनाएगा। ये हमारे पास में है CHO। चलिए एक मिनट बॉन्ड ओपन करके दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में बॉन्ड ओपन करना ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास में है यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C और C के पास में है यहाँ, इसके पास में है OH। ठीक है, C के पास में यहाँ पर है एक OH, एक नेगेटिव आयन भी बना देंगे इसका साथ के साथ ही। ठीक है, यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज के साथ साथ इसके पास में कौन है, ये है। लास्ट वाला भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, जब लास्ट वाला इनमें से कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो हम इन्हें एक साथ भी दिखा सकते हैं CH OH का होल्थराइज सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हमने एरो लगाया और एरो पे हमने इसमें शो किया हुआ है क्या, एच प्लस। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, अब अगर ये वाली कंडीशन बनती है कि जो नेगेटिव आयन है, ये जो नेगेटिव आयन है ये ट्रांसफर होने के बाद में एच प्लस आयन यहां से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, कहां से आके जुड़ जाएगा, फर्स्ट वाली स्टेज से। अगर ये फर्स्ट वाली स्टेज से आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा डी मेनोज, और अगर ये सेकंड वाली स्टेज यहां से आके जुड़ेगा एच प्लस आयन, ये सेकंड वाली स्टेज देखिएगा, तो ये बना देगा हमारे पास में डी ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा क्या बना देगा, डी ग्लूकोज बना देगा। वापस से चलिएगा एक बार दोबारा देख लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का यहाँ पर हो जाएगा, एच सी डबल बोन ओ सिंगल बोन सी, सी से यहाँ एच अटैच है और यहाँ इसके साथ में ओ एच है। ठीक है, बस इसके बाद में ये सेम वापस रहेगा, इस पोजिशन को चेंज होने से ही क्या बन जाएगा, ये मेनोज बन जाएगा, ऑथराइज सिंगल बोन CH2OH। ठीक है, इस वाली पोजीशन को चेंज होने से ही, जिसे आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास में इसकी सेकंड वाली पोजीशन है, यहाँ से एच और OH की पोजीशन चेंज होने से क्या बन जाएगा, ये डी मैनोज बन जाएगा। चलिए ये हमारा बन गया है इसमें डी मैनोज। अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे डी मैनोज, सॉरी डी मैनोज के साथ साथ में हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनेगा साथ में, ये हमारे पास में कौन बन रहा है, एच सी डबल बोन ओ, इसे आप पहचान ही लिए होंगे, यहाँ सी यहाँ एच यहाँ इसके साथ में ओ एच है, चेंज हो गया, बाकी है सेम। ठीक है, अब बताइएगा इसे क्या है, ओ एच का होल्थराइज सिंगल बोन CH2, बताइए इसे क्या है। ठीक है, इसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ये क्या है हमारा डी ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है डी ग्लूकोज, इससे ही तो हम बनाना शुरू किए हैं, तो ये हमारा क्या है डी ग्लूकोज है। अब देखते हैं ग्लूकोज के बाद में हमारा जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या होता है, इनोलेट आयन से ही लेंगे, इनोलेट आयन कुछ इस टाइप से भी चेंज हो सकता था इसमें, स्टेप थर्ड। अब थर्ड स्टेप में हमने दोबारा से इनोलेट आयन बना दिया यहाँ पर एच सी डबल बोन ओ सिंगल बोन सी सिंगल बोन ओ एच, और फिर लास्ट में हमने लिया हुआ है इसमें सी एच ओ एच का ऑक्सराइज सिंगल बोन CH2OH। चलिए देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वाली रिएक्शन में भी, इनोलेट आयन में यहाँ क्या है, इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जब ये अपना नेगेटिव पार्टिकल्स इसे इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने में, ठीक है, अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा ये यहाँ बॉन्ड बनाने में, तो इस वाले सी के पास में क्या आ जाएगा, एक
प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस पे ही पहले से क्या था, एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही ये यहाँ जाएगा, इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस वाले पे क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, इसकी हम बात करेंगे, इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, अपना एक लोन पेयर किस पे डोनेट कर देगा, ओ पे। तो जो माइनस आएगा वो किस पे चला जाएगा, ओ के पास में चला जाएगा। एक बार दोबारा से समझिएगा, ये जो सी है ये अपना नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसे और इसके साथ में अपना एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये डोनेट कर देगा किसके पास में, दूसरे सी के पास में, और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। देखिएगा किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखिए, इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर, एच सी सिंगल बॉन्ड ओ। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस पर आ जाएगा, ओ पर आ जाएगा, और यहाँ दोनों सी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी से अटैच है ओ एच, और यहाँ ये बन जाएगा सी एच ओ एच का पॉलीथराइज, और लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा सी एच टू एच, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को आप रिवर्स रिवर्स से शो कीजिएगा, ये बैक भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में जब हमारे पास में ये बना हुआ है, अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किससे, एच प्लस से, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, एच प्लस से, या इस रिएक्शन में से निकल जाए कौन, एच प्लस। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो इस वाले आयन के पास में, ये जो हमारे पास में ओ माइनस है, इसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या काम करेगा, अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा किसे, एच प्लस को, और इसके साथ में बॉन्ड बनाने का। तो नया स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा इसका, यहाँ पर एच सी ओ एच सिंगल डबल बॉन्ड सी ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच का पॉलीथराइज, और लास्ट में हमारे पास में इसमें आ जाएगा क्या, सी एच टू ओ एच, ये आ जाएगा हमारे पास में। ये हमारे पास में बन के आया है इन ए डाइओल, या इन ए इन बोल सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, इन डाई ओल, ये हमारे पास में बन के आ जाएगा। और जो हमने शुरुआत में लिया हुआ था, ये हमारे पास में क्या है, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब हम बात करेंगे किसकी, अपनी फोर्थ स्टेप की, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास में सेकंड वाला कार्बन है जिसके पास में भी OH आया हुआ है, एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे, H C बोन ओ एच डबल बोन सी बोन ओ बोन एच, ठीक है। ये वाला हमारे पास में है यहाँ पर सी एच ओ एच का ऑल्थराइज सिंगल बोन सी एच टू ओ एच। ये जो हमारे पास में सेकंड वाला कार्बन है, इसका हम ध्यान करेंगे यहाँ से, इस वाले कार्बन यहाँ से। अब ये जो ये वाला बोन्ड है, ये बोन्ड ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास में, ओ के पास में, ओ पे माइनस आ जाएगा और एच पे प्लस आ जाएगा, और एच यहाँ से जाएगा निकल, ठीक है, एच जाएगा यहाँ से निकल। निकलने के बाद में कुछ कैसा स्ट्रक्चर होगा, बस यही हमें देखना है इसमें। चलिए हम इसे कुछ इस टाइप से करके बना लेते हैं। अभी हमारे पास में ऐसा आ जाएगा यहाँ एच सी ओ एच डबल बोन्ड। अब ये डबल बोन्ड भी हमें इसमें चेंज करना होगा, ठीक है, डबल बोन्ड चेंज हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाले स्टेप में। यहाँ ये हमारे पास में आ जाएगा सी बोन्ड ओ, ओपन नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ठीक है, बोन्ड सी एच ओ एच का होता है, सी एच ओ एच का ऑथराइज और सिंगल बोन्ड सी एच टू एच, ठीक है। ये हमारे पास में बन के आ गया है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, ठीक है। ये कब स्टेट चेंज होगी इसकी, जब ये क्या लेगा, एच प्लस आयन को डोनेट करेगा, या ये ले किसे, एच प्लस आयन को, ठीक है। इस टाइप से ही हमारा बन जाएगा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, अपनी जो हमारे पास में हमारी लास्ट वाली स्टेज है, जिसमें हमारे पास में क्या बन जाता है, फ्रक्टोज बन जाता है। चलिए अब स्टेप फाइव की बात करेंगे। स्टेप फाइव में हम फिर दोबारा से एक बार फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जो हमने लास्ट वाले में किया हुआ था, सी, यहाँ ये हमारे पास में क्या है, ओ एच है, बोन सी डबल बोन, ठीक है, सी, और सी के पास में यहाँ ओ, ओ पे एक नेगेटिव चार्ज है, फिर हमारे पास में यहाँ क्या था, सी एच ओ एच का ऑल्थराइज, और नीचे हमारे पास में कौन था, सी एच टू ओ एच, ठीक है।
थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, अब इस वाले चेंज को हम देखते हैं। ये वो क्या काम करेगा, जो अपना नेगेटिव पार्ट है इसके पास में, जो नेगेटिव पार्टिकल है इसके पास में, जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा किसके पास में, सी के पास में। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ देगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जस्ट इस वाली कंडीशन में ही ये जो हमारे पास में सी है, ठीक है, ये अपना लोन पेयर यहाँ से हटाएगा और किसे डोनेट करेगा, इस वाले सी को, ठीक है, इस वाले सी को डोनेट करेगा, तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये क्या काम करेगा, नेगेटिव पार्ट आतों के साथ ही अपना जो लोन पेयर है वो किसे देगा, ओ को, ओ अपना डोनेट कर देगा किसे, एच को, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे से कौन निकल जाएगा, एच प्लस आयन यहाँ से निकल जाएगा। चलिए एक बार स्ट्रक्चर बना के इसका मैं आपको सही से दिखा देता हूँ किस टाइप से इसका बन जाएगा। ये देखिएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, एच बोन सी बोन ओ एच। अब यहाँ ये हमारे पास में आ जाएगा सी डबल बोन ओ सिंगल बोन सी एच ओ एच का सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओएच। अब इस वाले सी के पास में कौन है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज अपना नेगेटिव चार्ज कंप्लीट कम करना चाहेगा, तो इस कंडीशन में ये क्या काम करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन का, जो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उसे डोनेट करेगा कहाँ, अपने और ओ के बीच में, ठीक है, या दूसरे तरीके से समझेगा इसके पास में एक लोन पेयर है, ये क्या काम करेगा, हमने इसे दिया एक एच प्लस, ठीक है, इससे तो वापस फ्रक्टोज बन जाएगा। हाँ, इसकी हम एक रिएक्शन कराएंगे दोबारा से, हम इसे देंगे किसे, एच प्लस को। जैसे ही एच प्लस आएगा तो ये एच प्लस आते के साथ ही अपना जो इसके पास में एक नेगेटिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक पेयर डोनेट कर देगा किसे, एच प्लस आयन को, ठीक है, या हम इसमें दिखाएंगे माइनस एच प्लस। और इस कंडीशन में सी के साथ में यहाँ पर दो एच अटैच जाएंगे, वन टू सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच का मल्टीराइज, और लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा इसमें सी एच टू ओ एच। और ये बन के आ गया है हमारे पास में डी फ्रक्टोज। लास्ट में हमारे पास में क्या बन के आ गया है, इसमें डी फ्रक्टोज इसमें बन के आ गया है, ठीक है। बस हमें ये यहाँ तक ही देखना था, डी फ्रक्टोज तक ही। इसमें लास्ट वाले स्टेप को एक बार फिर कवर कर लेंगे, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करा दूंगा इसका, ठीक है। ये जो हमारे पास में लोन पेयर है ओके पास में, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसके पास में, सी के पास में। जैसे ही ये सी के पास में अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इस वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं, और जैसे ही डोनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये अपना क्या काम करेगा, जो सेकंड वाले से इनने अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, सी के पास में भेज देगा, सी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही हम सी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला देखिएगा, जैसे ही हम क्या काम करेंगे, ये सी इसकी रिएक्शन इसके पास में लाएंगे किसे, एच प्लस आयन को, तो क्या काम करेगा, अपना पेयर डोनेट कर देगा किसे, एच के पास में। और इसी से ही हमारा बन जाएगा इसमें डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला स्टेप था। अब आप इसके किसी भी स्टेप को देख सकते हैं, जितने भी स्टेप हमने इसमें किए, ठीक है। सेकेंड वाले स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट वाले स्टेप से देखिएगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पास में OH आयन पास में आता है किसके, डी ग्लूकोज के, तो डी ग्लूकोज में से एच प्लस चला जाता है और एच टू इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारे पास में बन जाता है इनोलेट आयन। केवल इस वाले कार्बन में चेंज होना है, आपको याद भी ये रखना है कि कौन से में चेंज होगा और कौन से में नहीं होगा। सेकंड वाले स्टेप में चलेंगे तो सेम वही स्थिति हमारे पास में थी, पोजिशन थी इसमें। जैसे ही एच प्लस इसके पास में आएगा तो अगर पोजिशन वन के अकॉर्डिंग ये अटैच होता है तो ये बना देगा डी मेनोज, और पोजीशन टू के साथ में अगर ये अटैच होता है, अगर ये इस टाइप से चला जाएगा दूसरी साइड में, तो ये बना देगा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब डी ग्लूकोज वापस बन गया, ग्लूकोज तो फिर से चेंज हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पोजीशन थर्ड की। हमने फिर दोबारा से इनोलेट आयन लिया हुआ है पोजीशन थर्ड में। अब हमने देखा कि अगर ये जो हमारे पास में फर्स्ट वाला कार्बन है, ठीक है, इसे, और जो सेकेंड वाला कार्बन है इसे, अब सेकेंड वाले कार्बन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या काम करेगा, अपना एक पेयर डोनेट करेगा सी और सी के बीच में, तो दोनों सी के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कंडीशन में इसके पास में फाइव बॉन्ड हो जाएंगे। ये क्या काम करेगा, अपना एक पेयर डोनेट कर देगा ओ के पास में, तो ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
जैसे ही इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हाइड्रोजन, तो ये अपना पेयर डोनेट करेगा एच प्लस को, और क्या बना देगा, ये ओ एच बना देगा। मगर अब सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एन डाई ओ एल। इसके बाद में फोर स्टेप की हमने बात करी, तो ये बॉन्ड चला जाएगा ओ के पास में, यहाँ से एच रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद में ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये फिर से इनोलेट आयन बन जाएगा। और लास्ट वाले स्टेप में बॉन्ड एक बार फिर से चेंज होंगे, और बाद में हमें सबसे बाद में क्या बन जाएगा, डी फ्रक्टोज यहाँ से हमें इसमें से मिल जाएगा। आई होप जो हमारे पास में जो ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, जो मैकेनिज्म हमने अभी पढ़ी है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ये यूनिट में से अब कुछ भी टॉपिक हमारा बचा हुआ नहीं है, सेकेंड यूनिट के जो टॉपिक बचे हुए होंगे उन्हें हम कल कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।